खिसियानी खिसियानी बिल्ली कम्मे कोनो छे, ये मूर्ख नीति है। तुलसी भजन राम को चारों वर्ण चमार, चमार शब्द का अर्थ चमड़े का प्रेमी। संस्कृत विद्वान पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने अपनी उस टिप्पणी के संदर्भ में बयान दिया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक जाति विशेष को लेकर बात कही थी। अयोध्या पहुंचे स्वामी राम भद्राचार्य ने यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में दी है जब उनके बयान पर काफी विवाद मचा हुआ है। संस्कृत विद्वान पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि उनकी टिप्पणी जातिवादी नहीं थी, उन्होंने कहा कि वह जाति सूचक नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों द्वारा न आने के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है। स्टेट बयान आया था जिसको लेकर काफी सवाल भी उठे कि जाति सूचक वो दिया गया है, इससे आप पर नहीं गए? नहीं, गलत गलत, वो जाति सूचक नहीं था। हाँ। तुलसी भजन राम को चारों वर्ण चमार, चमार शब्द का अर्थ चमड़े का प्रेमी। स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने विपक्षी दलों की सहभागिता को लेकर बयान देते हुए कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि मूर्ख नीति है। सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, अन्य पार्टी की बात ऐसी है, कुटिल राजनीति कर रहे हैं जिनको चुनाव जीतने के। नहीं, नहीं नहीं नहीं, जिनको कुछ करना नहीं हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं ना, खिसियानी खिसियानी बिल्ली कम्मे कोनो छे, उनको कुछ करना नहीं है, तो अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रश्न उठा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए करे कौन अड़ियो, कौन बड़ा पाप करे, इतना बड़ा काम तुमने किया है क्या? 60 वर्ष तुम्हारे पास भारत रहा, क्या किया तुमने? अब भारत पांचवी अर्थव्यवस्था हो गया, अब धीरे धीरे तीसरी होगा, अब फिर प्रथम हो जाएगा। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, जो राजनीति हो रही है या धर्मनीति है, क्या मानते हैं? कुछ नहीं, ये मूर्ख नीति है। जो विपक्षी दल कह रहे हैं इसको आप मूर्ख नीति? मूर्ख नीति मान रहा हूँ, तथ्यहीन, जो कुछ करें सब तथ्यहीन। बता दें कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर तेजी से तैयारियां भी चल रही हैं। कांग्रेस ने ससम्मान निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए शामिल न होने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अन्य कई विपक्षी दलों ने भी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कोई सटीक बयान नहीं दिए हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों पर अक्सर सवाल उठ रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। राम मंदिर को लेकर दिनों दिन सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।